ईमानदारी से इसको और आगे बढ़ाए, ताकि हमारे इस समाज में एक मैसेज जाए कि और सभी के अपने मेहनत से ये कार्य हमारा पूर्ण। तो मैं अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूंगा कि इस कार्य को हम सभी निष्ठापूर्वक मेहनत से ईमानदारी से मिलजुल कर किसी स्वयं की इच्छा के अनुसार ना होकर एकत्र मीटिंग होकर के किसी कार्य को संगठित करना, उस कार्य को आगे बढ़ाना हमारा मेन उद्देश्य है, ताकि आपके इस कार्य के लिए बल मिले और समाज में आपकी प्रतिष्ठा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस कार्य को आप पूर्ण रूप से और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाएंगे और ईश्वर आपकी मदद करेंगे। सदस्यों का अभिनंदन करती हूँ, सबसे पहले मैं सभी सदस्यों का अभिनंदन करती हूँ। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि हमारी फाउंडेशन सब सभी सदस्यों जो लेकर चल रही है इस समय और आगे बढ़े और हमारे जगह जगह शहरों में संदेश जाए अच्छा कि हाँ हमारा बुलंद सेवा फाउंडेशन अच्छा कार्य कर रही है जो गरीबों के लिए मदद करती है। धन्यवाद बोलूँगा कि सर यहाँ पे प्रेजेंट हुए और मैं हमारे संस्थापक जी को बधाई और अध्यक्ष जी और हमारे उपाध्यक्ष जी और सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करूँगा। और अपना सिर्फ यही उद्देश्य है जैसे हम करते आए हैं शुरू से, और अब संरक्षक जी भी जैसे आप आदेश करेंगे जैसे इनकी होगा ऐसे हम काम करेंगे। आगे हमारा और उद्देश्य रहेंगे कि आगे नेक्स्ट इसकी मीटिंग के बाद हम आपको बताएंगे हमें अगला कदम हमारा क्या है। अभी सब एक मीटिंग करेंगे कुछ को फाउंडेशन के संरक्षक अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव महोदय मीडिया प्रभारी बाकी सब सदस्य लोग मैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, पहले से बच्चों को पढ़ाता हूँ, इस काम को करते हुए लगभग मुझे 30 साल हो गए। मैं बहुत पहले से भी सोचता था और आज एक जब से इस फाउंडेशन में जुड़ा हूँ, अब से पहले भी हमने एक प्रोग्राम में गए थे तो हमने जो बच्चे चयनित हुए थे कुछ उसमें डॉक्टर में कुछ अधिकारी कुछ मतलब काफ़ी अच्छे पदों पर चयनित हुए, तो उस दिन भी मेरे मन में ये विचार था लेकिन उस टाइम थोड़ा वो माहौल नहीं बन पाया और मैं उस अपनी बात को नहीं कह पाया। आज छोटे भाई योगिंदर जी के द्वारा मैंने अपने विचार रखे, बोले भैया बहुत अच्छा विचार है, आप सभी लोगों से सलाह कर सकते हो। मैं चाह रहा हूँ हमारे कस्बे में, पहले हम अपने कस्बे से शुरुआत करें, हमारे कस्बे में ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा का कोई कुछ पता ही नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है या जो गरीब बच्चे हैं, सबसे पहले वो जिनके माँ या बाप नहीं है ऐसे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई किताबें जितना मुश्किल होगा पढ़ाई, मेरी जहाँ तक मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ मैं चाहता हूँ उन बच्चों को फ्री पढ़ाया जाए। अगर आज हम शुरुआत करेंगे तो कल वो बहुत आगे जाएगा, तो मैं उन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, चाहे मुझे उसके लिए घर घर जाना पड़े कि भाई ऐसे कौन बच्चे हैं पहले कि जिनके माँ बाप नहीं है या जो पढ़ने में असमर्थ हैं, उसके बाद जिनके ऊपर कोई साधन नहीं है, कोई आय का जरिया नहीं है उनका, और एक ऐसी संस्था जहाँ हम हमारे फाउंडेशन के माध्यम से शहर में संदेश जाए कि जो बच्चे उनको पढ़ा रहे हैं और फ्री पढ़ा रहे हैं और फ्री पढ़ा के वहाँ अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं, वो चाहे 2 बच्चों से हो, 1 बच्चे से हो या 100 बच्चों से हो, उसमें मैं पूरी तरीके से अपना समय दूंगा क्योंकि मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे इस लाइन की बारीकियाँ पता है। मैं चाहता हूँ उन बच्चों को शिक्षा मिले, वो आगे बढ़ें और आने वाले समय में देश का, अपने कस्बे का, अपने शहर का नाम रोशन करें। इसी में मैं सभी लोगों का सहयोग चाहता हूँ कि हमारी फाउंडेशन समाज की सेवा के लिए है, हमें समय तत्पर है और समय पर हमने सहयोग भी किया समाज में जाके गरीब लोगों का। भाई अभी हमने अभी कुछ दिन पहले उसमें गए थे वृद्धाश्रम में, वहाँ हमने लोगों की मदद की जितनी भी हम पे हो पाई, और हम इसी तरीके से सहयोग करके ही चाह रहे हैं कि उन बच्चों को भी हम अपना सहयोग दे सकें जिनको शिक्षा का मतलब ही नहीं पता है।
महोदय, तो आप लोगों के जो हम लोगों की एक राय बताएगी, मैं हमेशा उसमें तत्पर हूँ और हर तरीके से भाई जब पढ़ाई के जैसे बच्चों के लिए कह रहे थे उसमें अपनी तरफ से जो प्रयास मुझ पर दिया जाएगा जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसमें उनके साथ बुलंद सेवा फाउंडेशन का मैं प्रवक्ता हूँ। मैं आदरणीय हमारे मार्गदर्शक और साक्षर धर्मेंद्र सिंह का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनके साथ मेरी बहन शोभा अग्रवाल जो अध्यक्ष हैं बुलंद फाउंडेशन की और बड़े कर्मठ क्रांतिकारी जिनके माध्यम से ये संगठन आज बुलंदियों की तरफ जा रहा है, मेरे भाई पंडित धर्मेंद्र शर्मा जो सचिव हैं और हमारे योगिंदर शर्मा जो वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष हैं और बुलंदशहर सभासद भी हैं। मीडिया के प्रभारी विनोद अग्रवाल जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। सदस्य महेश सैनी जी का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सदस्य मनोज कुमार जी का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आलोक गर्ग जी का भी स्वागत करता हूँ। सदस्य मेरी बहन वंदना गर्ग जी का भी स्वागत करता हूँ। सदस्य सुभाष बहुत काम किया है बहुत कम सूक्ष्म समय में। मैं बताना चाहता हूँ आदरणीय अपने मार्गदर्शन और संक्षण धर्मेंद्र सिंह जी को कि इस ग्रंथ सेवा ने पहले से ही स्टार्टिंग से ही कंबल का वितरण रहा हो, बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में जाके पंखा की खाने की व्यवस्था हुई उसको भी बांटने काम किया है और जैसे कि आज अक्सर एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उनको हेलमेट वितरण किया है और अच्छे स्तर से हमने कार्यक्रम किया है। उसके बाद जो हमारे जहांगीराबाद नगर के जो बच्चे जिन्होंने देश प्रदेश और जिले में नाम रोशन किया है उनका भी संस्था ने स्वागत और अभिनंदन किया है। मैं बधाई देता हूँ संस्था के अध्यक्ष को और सचिव साहब को जिनकी लगन और मेहनत से लगातार हमारा संगठन और हमारी संस्था कार्य कर रही है। अभी जब देश ने वहाँ झंडा फहराया तो हमारी संस्था ने उसका प्रचार ही प्रसार नहीं किया और प्रसाद भी बांटा, लोगों को मिठाइयाँ बांटी। अभी जहाँ चांद पे तिरंगा फहराया इसका मतलब हमें इतना गर्व था। हमारी संस्था के सदस्यों ने सभी को मिठाइयाँ भी बांट कर शुभकामनाएं दी और जानकारी दी कि मैं विशेषकर मीडिया और मीडिया के साथी का धन्यवाद करता हूँ। अगर संस्था के किसी सदस्य को कोई दिक्कत आती है तो हमारे संरक्षण और अध्यक्ष और सचिव आपके साथ दिन रात खड़े होंगे, एक बार आप कॉल करना। पहले तो हम मजबूत होता है और जितने भी सदस्य जुड़ेंगे, ये संस्था ऐसी नहीं है लगातार आपके बीच लोगों तक पहुंच पाए, पीड़ितों को हेल्प करा पाए, किसी भी स्तर से अगर उसकी समस्या है तो हम उसका निवारण करने के लिए तत्पर खड़ी है हमारी संस्था। गरीब मजदूर किसान के साथ है, जो कोई बेरोजगार है उसके लिए भी बिलेट की कहीं जरूरत पड़ती है तो बिलेट रोशन का भी कार्य चल रहा है। कार्य अलग करना है।